नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप स्वागत करता हूं आपका करियर प्लानेट की ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एमएस वर्ड में पेज ब्रेक और सेक्शन ब्रेक के बारे में। पेज ब्रेक और सेक्शन ब्रेक दोनों ही ऑप्शन वर्ड के मैजिकल ऑप्शन है। आज की वीडियो में इन दोनों ऑप्शन के बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पेज ब्रेक ऑप्शन की। दोस्तों, जब आप किसी बहुत बड़े डॉक्यूमेंट पर काम कर रहे होते हैं और आपको बीच में अपने पेज को ब्रेक करना होता है तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं पेज ब्रेक। पेज ब्रेक आपको इंसर्ट में, यहाँ पर इंसर्ट टेप में भी दिखाई देगा और पेज लेआउट में भी ब्रेक्स का अलग से सेक्शन है, वहाँ पे भी आपको फर्स्ट ऑप्शन पेज ब्रेक मिलेगा। पेज ब्रेक का सीधा सा मीनिंग है कि जहाँ हमारा कर्सर होता है उसके आगे से सारा मैटर अगले पेज पर ट्रांसफ़र हो जाता है। सपोज़ आप देखिएगा, यहाँ मेरा कर्सर है, इसके आगे से जितना मैटर है वो नेक्स्ट पेज में मुझे ट्रांसफ़र करना है, यानी यहाँ मुझे अपना पेज ब्रेक करना है। इसके लिए कर्सर यहाँ आप रख लीजिए और ब्रेक्स में जाकर पेज ब्रेक वाला जो फर्स्ट ऑप्शन है उस पर क्लिक कर दीजिए। अब देखिए, जहाँ कर्सर था उसके आगे से सारा मैटर नेक्स्ट पेज पर ट्रांसफ़र हो गया है। ऐसा ही आप चाहते हैं कि यहाँ से, जहाँ मेरा कर्सर है इस जगह पर, और यहाँ से मुझे सारा मैटर अगले पेज पर ट्रांसफ़र करना है, तो उसके लिए यहाँ ब्रेक और पेज ब्रेक, आप इसके लिए शॉर्टकट की कंट्रोल एंटर का भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, सारा मैटर यहाँ से नेक्स्ट पेज पर ट्रांसफ़र हो गया है। जहाँ आपका कर्सर होता है वहाँ से सारा मैटर अगले पेज पर ट्रांसफ़र हो जाता है। अब ब्रेक्स के तीन टाइप्स हैं, एक है पेज ब्रेक, दूसरा है कॉलम ब्रेक, तीसरा है टेक्स्ट रैपिंग। फर्स्ट मैंने आपको बताया पेज ब्रेक के बारे में, अब बात करते हैं कॉलम ब्रेक। दोस्तों, कई बार हमको ऐसा डॉक्यूमेंट डिज़ाइन करना होता है जिसमें अलग अलग तरह से कॉलम्स बने हुए हों। जैसे मान लीजिए ये मेरा कोई पेज है और यहाँ मैं कॉलम्स में टाइपिंग करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे कॉलम यहाँ पर डिज़ाइन करने के लिए कॉलम टेप में जाना है, पेज लेआउट में ही कॉलम। कॉलम में आप देखेंगे टू कॉलम, थ्री कॉलम, ये ऑप्शन जो आ रहे हैं इनमें से आपने कॉलम पे अगर क्लिक किया तो सारे पेजेस ऊपर जहाँ से हमारा कर्सर था उसके अलावा जहाँ से स्टार्टिंग हो रही है वहाँ पर भी पूरा जो डॉक्यूमेंट है वो कॉलम में डिवाइड हो गया है। तो कॉलम ब्रेक एक कॉलम से दूसरे कॉलम में अगर हमको कर्सर ले जाना है तो उसके लिए यूज़ होता है। लेकिन अभी आप देख रहे होंगे कि अपने आप कर्सर इधर से उधर मूव कर रहा है, इस कॉलम से उस कॉलम में। लेकिन अगर आप कोई नया डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं और यहाँ फर्स्ट टाइम पर आप जाते हैं और कॉलम को डिज़ाइन करते हैं, पेज लेआउट कॉलम, इस तरह से कॉलम बनाते हैं, यहाँ आपने कोई मैटर डिज़ाइन किया है, कोई मैटर टाइप किया है, आप RAND का यूज़ कर सकते हैं, इक्वल टू RAND ब्रैकेट देन एंटर, तो इस कॉलम में अब हमारा मैटर आ गया। लेकिन अगर आपको कर्सर दूसरे कॉलम में ले जाना है तो देखिए कर्सर दूसरे कॉलम में नहीं आ रहा है। तो एक कॉलम से कर्सर को दूसरे कॉलम में ले जाने के लिए इस कॉलम को हमको ब्रेक करना होता है। इसके लिए आपको जाना है ब्रेक्स, कॉलम ब्रेक्स, कर्सर आपका दूसरे कॉलम में आ गया और आप इजीली यहाँ पर भी मैटर को टाइप कर सकते हैं। अब एक बार कॉलम ब्रेक करने के बाद आप कर्सर को इस कॉलम में और उस कॉलम में मूव कर पाएंगे। तो ये सेकंड ऑप्शन है कॉलम ब्रेक। ब्रेक का जो थर्ड टाइप है दोस्तों वो है टेक्स्ट रैपिंग। यदि आप किसी लाइन को बिना एंटर किए नेक्स्ट लाइन में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, जैसे मेरा कर्सर यहाँ ओवरऑल के पास है और मैं चाहता हूँ कि यहाँ से इसके आगे जो लाइन है वो नेक्स्ट लाइन में ट्रांसफ़र हो जाए पर मुझे एंटर प्रेस नहीं करना है, तो ऐसी कंडीशन में आपको यूज़ करना होता है ब्रेक के अंदर जाकर टेक्स्ट रैपिंग। आप देखेंगे कि वो पूरी लाइन नेक्स्ट लाइन में ट्रांसफ़र हो गई है। अगर आप एंटर प्रेस करते हैं तो वर्ड उस एंटर प्रेस करने के बाद वर्ड नेक्स्ट टेक्स्ट को पैराग्राफ की तरह काउंट कर लेता है, इसलिए हमें यहाँ से ब्रेक के अंदर टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक का यूज़ करना होता है, जिससे बिना नया पैराग्राफ इंसर्ट हुए हमारा काम हो जाता है और हम अपनी डॉक्यूमेंट में किसी लाइन को नेक्स्ट लाइन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये थे ब्रेक के थ्री टाइप्स, पेज ब्रेक, कॉलम ब्रेक और टेक्स्ट रैपिंग। अब हम बात कर रहे हैं सेक्शन ब्रेक्स की। सेक्शन ब्रेक्स में अलग अलग ऑप्शन है जिसमें नेक्स्ट पेज, कॉन्टिन्यूस, इवन पेज और ओड पेज, ये चार टाइप के सेक्शन ब्रेक्स हम यूज़ कर सकते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं नेक्स्ट पेज सेक्शन ब्रेक की। दोस्तों, अभी मेरे इस डॉक्यूमेंट में तीन पेजेस हैं, देखिए थ्री पेजेस हैं मेरे इस डॉक्यूमेंट में, और इन तीनों पेजेस पर अगर मैं कोई इफेक्ट डालता हूँ तो साइमल्टेनियसली तीनों पेजेस पर एक जैसा इफेक्ट आएगा। जैसे
यदि मैं इनकी मार्जिन्स को चेंज करता हूँ, यहाँ से मार्जिन्स को बदलता हूँ, देखिए तीनों पेजेस पर एक साथ इफेक्ट आ रहा है, या पेज लेआउट में मार्जिन्स को चेंज करके देखिए, यहाँ से देखिए तीनों पेजेस पर एक साथ इफेक्ट आ रहा है। अगर आप यहाँ से मार्जिन चेंज करते हैं तो तीनों पेजेस पर एक साथ इफेक्ट आ रहा है। इसी तरह से अगर आप ओरिएंटेशन चेंज करते हैं, पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में जाते हैं, तो सारे पेजेस लैंडस्केप ओरिएंटेशन में आ जाते हैं। इसी तरह से अगर आप कॉलम का यूज़ करते हैं और कॉलम इंसर्ट कर लेते हैं, तो पूरा जो डॉक्यूमेंट है हमारा, पूरी फाइल है, उसमें जितने भी पेजेस हैं, सारी पेजेस टू कॉलम में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी तरह से अगर आप लाइन नंबर्स का यूज़ करते हैं, तो सारे लाइंस जो हैं उन पर लाइन नंबर इंसर्ट हो जाएगा। यानी हम पर्टिकुलर एक पेज पर अलग और दूसरे पेज पर अलग इफेक्ट नहीं डाल पा रहे हैं। इस तरह से अगर आप पेज बॉर्डर डालते हैं, तो सारे पेजेस पर एक जैसा बॉर्डर इंसर्ट हो जाएगा। इस तरह से अगर आप पेज की साइज चेंज करते हैं, तो वो भी सारे पेजेस की एक जैसी साइज हो जाएगी। इस तरह से आप इंसर्ट में जाकर हेडर फुटर इंसर्ट करते हैं, तो सभी पेजेस पर एक जैसा हेडर और फुटर इंसर्ट होगा। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं, इनको दूर करने के लिए हमको अपने पेजेस को अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करना होता है। हमारा एक पेज एक सेक्शन, दूसरा पेज दूसरा सेक्शन, जिस सेक्शन में वो इफेक्ट डालेंगे वो केवल उसी सेक्शन में अप्लाई होगा, अगले सेक्शन में नहीं। देखिए मैं यूज़ करके दिखाता हूँ आपको। मैंने अपना कर्सर सेकंड पेज के फर्स्ट लाइन में रखा है और ब्रेक में जाकर नेक्स्ट पेज सेक्शन ब्रेक को इंसर्ट कर दिया है। इस तरह से नेक्स्ट पेज में जाकर फिर से नेक्स्ट पेज सेक्शन ब्रेक को इंसर्ट कर दिया है। यदि आप देखना चाहें कि सेक्शन ब्रेक कहाँ इंसर्ट हुए हैं, तो होम में जाकर आप पैराग्राफ मार्क को ऑन कर लीजिए। जैसे आप पैराग्राफ मार्क इंसर्ट करेंगे, तो आपको देखिए लास्ट में यहाँ लिखा हुआ रहा है सेक्शन ब्रेक नेक्स्ट पेज, यहाँ पर भी सेक्शन ब्रेक नेक्स्ट पेज। इसका मीनिंग है कि वर्ड अब समझ चुका है कि ये पूरा पेज एक सेक्शन में है और ये पूरा पेज दूसरे सेक्शन में है। आइए हम इफेक्ट डालकर देखते हैं। जैसे मैं फर्स्ट सेक्शन में खड़ा हूँ और यहाँ मैंने अपने पेज की मार्जिन को चेंज किया, यहाँ से मैं राइट मार्जिन को कम ज़्यादा कर रहा हूँ इस तरह से, तो देखिए केवल यहाँ इफेक्ट आएगा, इस पेज की मार्जिन में कोई इफेक्ट नहीं है। यहाँ जो मैटर है, उस मैटर को हम आगे पीछे ले सकते हैं इस तरह से, ये देखिए। और अब अगर मैं यहाँ चेंज करता हूँ, तो उसका इफेक्ट केवल यहाँ आ रहा है, लेकिन मैटर ज़्यादा होने की वजह से नेक्स्ट पेज यहाँ पर इंसर्ट हो रहे हैं, लेकिन जो इफेक्ट है वो केवल मार्जिन का इफेक्ट यहीं दिखाई दे रहा है। आप देखिएगा पेज लेआउट में मैंने पेज बॉर्डर इंसर्ट किया और यहाँ से ऑटोमेटिक से, या फिर यहाँ से कोई बॉर्डर मैं इंसर्ट कर रहा हूँ और दिस सेक्शन को यूज़ करते हुए ओके कर रहा हूँ, तो देखिएगा वो जो मैटर था वो नेक्स्ट पेज पर ट्रांसफ़र हो गया था, इसलिए ये दोनों ही एक सेक्शन है। यहाँ हमने अलग बॉर्डर इंसर्ट कर लिया। इस तरह से मेरा कर्सर फर्स्ट पेज पर है और मैंने यहाँ पर कोई और बॉर्डर यूज़ किया और फिर से दिस सेक्शन यूज़ करते हुए ओके किया, तो वहाँ देखिए अलग बॉर्डर इंसर्ट हो रहा है। मुझे लग रहा है कि आपको ऑप्शन समझ में आ रहा होगा। जिस सेक्शन पर हम इफेक्ट को अप्लाई करेंगे, उसी सेक्शन पर वो इफेक्ट अप्लाई होगा। जैसे ये मेरा एक सेपरेट सेक्शन है, इस पर खड़ा होकर मैंने कॉलम्स का यूज़ किया और टू कॉलम, अगर आप टू कॉलम करते हैं तो केवल इसी पेज पर आप देखिए ऊपर रूलर, उस रूलर को अगर आप देखेंगे तो रूलर मेरा टू पार्टीशन में आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ अगर आप रूलर देखेंगे तो वो वन पार्टीशन में है। तो यहाँ से हमको ये डिस्प्ले हो रहा है कि सेक्शन कैसे काम कर रहा है। जिस पेज पर, जिस सेक्शन पर आप इफेक्ट अप्लाई करेंगे, उसी सेक्शन पर वो इफेक्ट इंसर्ट होगा। तो दोस्तों ये है नेक्स्ट पेज सेक्शन ब्रेक। आप इसका यूज़ हेडर फुटर के साथ भी कर सकते हैं। आप जिस सेक्शन पर जो हेडर अप्लाई करेंगे वो उसी सेक्शन पर वो हेडर रहेगा, नेक्स्ट सेक्शन पर जो आपने हेडर या फुटर दिया है वो नेक्स्ट सेक्शन पर ही रहेगा। सारे पेजेस पर आप अलग अलग हेडर फुटर, पेज नंबर्स अलग अलग, या शुरुआत के दो पेजेस पर आप पेज नंबर नहीं देना चाहें तो आप उसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं, आगे से आप पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से जो अगला ऑप्शन है वो है ब्रेक के अंदर कंटिन्यूस, इसको भी हम यूज़ कर लेते हैं। दोस्तों जब आप सेम पेज में खड़े होकर ब्रेक में से नेक्स्ट पेज सेक्शन ब्रेक को यूज़ करते हैं, तो आपका मैटर नेक्स्ट पेज पर ट्रांसफ़र हो जाता है। जहाँ मेरा कर्सर था उसके आगे से सारा मैटर नेक्स्ट पेज में ट्रांसफ़र हो गया है, लेकिन ब्रेक में जो पेज ब्रेक है वो और जो सेक्शन ब्रेक में नेक्स्ट पेज है, दिखने में दोनों सेम है पर इन दोनों का इफेक्ट अलग अलग है। यहाँ पर अगर आप इस सेक्शन में खड़े होकर
मैं ओरिएंटेशन चेंज कर देता हूँ लैंडस्केप, तो देखिए इस पेज का ओरिएंटेशन पूरा अलग हो गया, जबकि इस पेज का सेक्शन अलग था, इसलिए इसका ओरिएंटेशन लैंडस्केप की जगह पर पोर्ट्रेट दिखाई दे रहा है। तो ये मैं आप बताना चाहता हूँ कि सेक्शन सेम पेज पर भी आप इंसर्ट कर सकते हैं और नेक्स्ट पेज पर भी इंसर्ट कर सकते हैं। इस तरह से सेम पेज पर सेक्शन इंसर्ट करने के लिए आपको यूज़ करना है ब्रेक में से ही कंटिन्यूस। जैसे मान लीजिए कर्सर अपना यहाँ है और कंटिन्यूस पर मैंने क्लिक किया, तो ये मेरा अलग सेक्शन है, यहाँ से लेकर जो नेक्स्ट पूरा अगला मैटर चल रहा है आगे तक वो एक अलग सेक्शन है और ये पूरा अलग सेक्शन है। अगर आप इसमें जाकर, मैं आपको कंटिन्यूस समझा रहा हूँ, सेक्शन ब्रेक कंटिन्यूस लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ मैंने यूज़ किया है मार्जिन्स वाइड। आप देखेंगे केवल इस सेक्शन के टेक्स्ट पर वो इफेक्ट आ रहा है जबकि इस सेक्शन पर नहीं। तो दोस्तों हम सेम पेज पर कंटिन्यू यानी इसी पेज पर नेक्स्ट पैराग्राफ पर आप कंटिन्यू सेक्शन को ब्रेक कर सकते हैं, और नेक्स्ट पेज पर अगर आप करना चाहें तो आपको फर्स्ट जो ऑप्शन है सेक्शन ब्रेक का नेक्स्ट पेज उसका यूज करना चाहिए। इस तरह से आप इवन पेजेस पर जितने भी आपके डॉक्यूमेंट में इवन पेजेस होंगे उन पर आप सेक्शन ब्रेक करके अलग अलग इफेक्ट डाल सकते हैं, या ओड पेजेस सेक्शन ब्रेक का यूज करके उन ओड पेजेस पर अलग अलग इफेक्ट डाल सकते हैं। दोस्तों सेक्शन ब्रेक अपने आप में एक बहुत बड़ा ऑप्शन है और इसके लिए मुझे सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा। जो भी एप्लीकेशन है इसकी उनके लिए एक एक एप्लीकेशन के लिए मुझे वीडियो तैयार करके अपलोड करना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिएगा। आने वाले वीडियो में इसके जितने भी प्रैक्टिकल अप्रोच हैं सेक्शन ब्रेक के थ्रू हम क्या क्या कर सकते हैं इनके सारे वीडियो मैं अपलोड जल्दी करने वाला हूँ। तो दोस्तों मुझे लगता है आज का वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा, आप पेज ब्रेक और सेक्शन ब्रेक को कॉन्सेप्ट वाइज समझ गए होंगे, आप इनका यूज़ करके देखेंगे तो आपको इजीली उसका कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आज का हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, उपयोगी लगा हो, तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।